आज का जो वीडियो है वो मेजर थ्योरी का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के थ्रू हम आपको जितने भी हमारे पास थ्योरम बचे थे इम्पोर्टेंट वो हम कराएंगे आपको, ठीक है, या इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो भी होंगे इसके वो हम करा देंगे आपको, ठीक है। और फिर भी अगर मुझसे कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है और अगर आपके एग्जाम में वो पूछा जाता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने थ्योरम यहाँ पे लिया है कि द यूनियन ऑफ फाइनाइट मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो पहला काम है कि हमें यूनियन निकालना है किसका, फाइनाइट मेजरेबल सेट का निकालना है जो कि क्या होगा, मेजरेबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पहला हम लोग काम क्या करते हैं, फाइनाइट लेट कर लेते हैं मेजरेबल सेट। तो अगर हमने लेट कर लिया e1 e2 e3 एंड सो ऑन en, ये क्या है, आर फाइनाइट मेजरेबल सेट। तो इसको हम डायरेक्टली मेजरेबल सेट लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या है, मेजरेबल सेट्स, ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। देन अब हम लोग को प्रूव क्या करना है, वी सेल सो दैट इज इक्वल टू यूनियन एन इक्वल टू वन टू, सॉरी आर ले लो यहां पर, आर इक्वल टू वन टू इनफिनाइट, सॉरी एन, फाइनाइट दिया गया ना तो फाइनाइट, ठीक है, आर इक्वल टू वन टू एन, और मेरे पास क्या होगा इधर ई आर इज मिजरेबल। ये मुझे यहां पर शो करना है, ठीक है। तो मुझे ए को मिजरेबल दिखाना है और ये आपके क्या है, ये मिजरेबल सेट ऑलरेडी आपको दिए गए हैं, ठीक है। वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो भी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि हमारे पास क्या होता है, ठीक है। जी मेरा अगर एक ओपन सेट है, एच मेरा क्या है, एक कोई क्लोज सेट है। तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी क्या, कि यहाँ पर हमारा एक कोई सेट है जो कि क्या है, हमारा मिजरेबल है इफ ओनली इफ जी मेरा ओपन सेट होगा और ये मेरा क्या होगा, क्लोज सेट होगा देन। और यहाँ पे कंडीशन होती है साथ ही साथ, क्या कंडीशन होती है फ्रेंड्स, कि H इज अ सबसेट ऑफ E इज अ सबसेट ऑफ G, ठीक है, ये होता है। और इसमें हम लोगों ने एक और सीखा था, देन मॉड G माइनस मॉड H यानी लेंथ ऑफ G माइनस लेंथ ऑफ H इज लेस देन एप्सिलॉन, ये हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखा था। तो मतलब अगर कोई हमारा क्या होगा, मेजरेबल होगा, तो हम लोग ये कंडीशन लगा सकते हैं और जब ये हमारी ये कंडीशन होगी तो उसको मिजरेबल भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गया ना, मतलब ये कंडीशन होगी तो मिजरेबल बोल सकते हैं, अगर मिजरेबल है तो कोई, तो इस कंडीशन को हम फॉलो करा सकते हैं, ये हमने डेफिनेशन सीखा था। तो ठीक है, यहां से फिर हम लोग अब प्रूव करते हैं, अपने क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है यूनियन ऑफ फाइनाइट मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। हमने लेट कर लिया है कि a1 a2 a3 एंड सो ऑन ईयर मेरे पास क्या मेजरेबल सेट है, और देन हमें प्रूव मतलब कि प्रूव क्या करना है, विसाइल सो दैट इक्वल टू मतलब फाइनाइट यूनियन है मेरा किसका, सेट ER मतलब होता है E1, E2, E3 एंड सो ऑन EN जो मैंने लिया है, इसे मिजरेबल हमें दिखाना है। तो हम लोगों ने ये बात जान लिया है यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर हमने बात जाना है कि ER मेरे पास क्या है, इज मिजरेबल, ER मिजरेबल सेट है, ठीक है। ER क्या है मेरे पास, ER B मिजरेबल रेबल सेट्स। देन अगर ये मिजरेबल सेट है तो हम ये बोल सकते हैं कि मेरे पास जो H होगा वो क्या होगा, यूनियन I इक्वल टू वन टू N H R, ये ओपन सेट होगा एंड सॉरी क्लोज सेट होगा, एंड G इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, यूनियन I इक्वल टू वन टू N सॉरी R इक्वल टू वन टू N एंड यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास G R, ठीक है। देन अब जो मेरे पास कंडीशन बनेगी वो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये है फ्रेंड्स कि मेरे पास सच दैट एच आर इज द सबसेट ऑफ ई आर इज द सबसेट ऑफ जी आर, ठीक है, एंड एंड मेरे पास क्या बनेगा, मॉड ऑफ जी आर माइनस मॉड ऑफ एच आर, और एप्सिलॉन मेरा चूज है, मैं यहाँ पे एप्सिलॉन को चूज कर रहा हूँ एप्सिलॉन बाई आर, ठीक है, फॉर ऑल आर इक्वल टू वन टू थ्री एंड सो ऑन एन। ये बात तो क्लियर हो गया, ठीक है। एंड ऑल्सो हम लोग एक बात जानते हैं कि किसी भी
क्लोज सेट का अगर हम यूनियन करेंगे तो एक क्लोज सेट होता है, और किसी भी ओपन सेट का अगर हम यूनियन करते हैं तो वो क्या होता है, ओपन सेट होता है। ये बात हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको एक नाम दे रहे हैं, ठीक है। वो नाम क्या दे रहे हैं, एच इज द सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ जी आर। दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इज द सबसेट ऑफ ई एंड जी इज अ सुपर सेट ऑफ ई, राइट। जी इज द सुपर सेट ऑफ ई, ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से अगर हम इसका एच में क्या लेते हैं, मतलब क्लोज सेट के लिए क्या लेते हैं, इनर मेजर लेते हैं, इनर मेजर ऑफ एच इज लेस आर इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ई, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, आउटर मेजर ऑफ जी इज ग्रेटर आर इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई, ये तो बात समझ में आ गई। तो ओपन सेट के लिए आउटर मेजर और क्लोज सेट के लिए क्या होता है, इनर मेजर, ये हमने आपको पिछले, ठीक है, थ्योरम में बता भी दिया था, पिछली वीडियो में मैंने पूरा इसको समझाया भी हुआ है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एक एक बात मैंने क्लियर किया था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाके देख ले, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अब यहाँ से देखें आगे भाई, अगर आपको इसको ऐड करना है तो इक्वालिटी होनी चाहिए सेम। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, मैं इसको लिख सकता हूँ आउटर मेजर ऑफ एच, ठीक है, सॉरी इनर मेजर, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ग्रेटर आर इक्वल टू बन जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू और माइनस ये हो जाएगा इनर मेजर ऑफ ई, और ये मेरे पास क्या है कामा, ये मेरे पास है आउटर मेजर ऑफ जी ग्रेटर आर इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई, ठीक है। अब यहां से देखेंगे दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिंग लास्ट इक्वालिटी, तो क्या होगा यहां से, तो ये मेरे पास हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ जी माइनस आउट इनर मेजर ऑफ एच, ठीक है, और ग्रेटर आर इक्वल टू मेरे पास है आउटर मेजर ऑफ ई, ठीक है, और माइनस इनर मेजर ऑफ ई। एक्चुअली मैं तुम्हें इसको एप्सिलॉन बनाना है, बिकॉज अब तो बात समझ में आ रही होगी, तो जी मेरे पास ये इतना यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि आउटर मेजर ऑफ जी इक्वल टू होता है मेजर ऑफ जी इक्वल टू होता है मॉड ऑफ जी, सिमिलर इनर मेजर ऑफ एच इक्वल टू होता है मेजर ऑफ एच इक्वल टू होता है मॉड ऑफ एच, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। बट यहाँ से हम लोग एक बात समझ लेते हैं कि हमारे पास एक बात और होती है, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसके आगे तुम्हें एक पॉइंट क्लियर कर लेना है कि अगर हम बात करें, क्योंकि हम लोग एक बात जानते हैं, मेजर ऑफ जी माइनस एच इज इक्वल टू होता है मेरे पास मेजर ऑफ जी माइनस मेजर ऑफ एच होता है, ठीक है, सिमिलर मेजर ऑफ जी आर माइनस एच आर इक्वल टू क्या होता है मेजर ऑफ जी आर माइनस मेजर ऑफ एच आर, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर यही होता है और एंड आल्सो वी नोटेड दैट, हम लोग ये भी नोट तो कर लेते हैं, अगर हम लोग ये ध्यान दें, हम लोग ये जानते हैं कि G माइनस एच इज अ सबसेट ऑफ यूनियन R इक्वल टू वन टू एन जी आर माइनस एच आर, ये होता है, ठीक है। बहुत सेट अगर आप मेजर लें इसका, तो मेजर ले लेंगे आप, तो मेजर ऑफ G माइनस एच लेस R इक्वल टू, और ये समेशन में करूंगा, समेशन R फ्रॉम वन टू एन, ये हो जाएगा मेरे पास क्या, मेजर ऑफ जी आर माइनस एच आर, ठीक है। एंड अगर इसकी हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या होता है, एम जी माइनस एम एस, यानी कि मॉड ऑफ जी माइनस मॉड एच डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे, चलो डायरेक्टली राइट कर लूं मैं, एम जी माइनस एम एच, ठीक है, लेस आर इक्वल टू, और ये मेरे समेशन, चलो इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं डायरेक्टली आपको राइट कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये मेरे पास है, ये डेफिनेशन को मैंने डायरेक्टली राइट कर दिया, तक मेरे पास ये तो दिया ही गया है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है। आप ये समझें, क्योंकि मैंने आपको भी यहां तक बताया है, यहां पर इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाम दे दो, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा है कि लेंथ ऑफ जी जी आर का मतलब वही होता है मेजर ऑफ जी आर, ठीक है ना, मैंने आपको पहले बता दिया ये सब एक ही होते हैं। तो ये मैंने क्या देखा है कि इसको हम बोलते हैं लेस आर इक्वल टू आर, और मैं इसको सम कर रहा हूं, कितने टाइम, एन टाइम सम कर रहा हूं, या आर टाइम, आर से लेकर एन वन, मतलब एन तक है, मतलब एन टाइम्स हम कर रहा हूँ। तो आप ये फील, मतलब कि अनुभव कर रहे हैं
कि आर भी वैल्यू मेरे पास कितने एन तक है और ये एन टाइम सम हो रहा है, तो ये जाहिर सी बात है वैल्यू किसके में जाएगी। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली राइट करना चाहूंगा और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मेरे पास ये एन टाइम्स ऐड हो रहा है और आर कहाँ से है, वन से लेकर एन तक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एप्सिलॉन बाय एन। तो इसको अगर मैं कट कर दूँ कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली किसके, लेस देन या लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन के आ गई, ठीक है। इसको मैंने नाम नहीं दिया था कोई इक्वेशन का, चलो आप इस इक्वेशन को नाम दे दो, आप इसको मैंने फर्स्ट दिया, इसको आप सेकंड दे दो और इसको आप फाइनली दे दो थर्ड, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वो यहाँ पे लिख देना बाई फर्स्ट, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर कौन से, सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा भाई। तो यहाँ पर देखिए आप थोड़ा ध्यान से, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मेजर ऑफ जी, ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर हम आपको डायरेक्टली ये लिख दें मेजर ऑफ जी और मेजर ऑफ एच, तो कोई दिक्कत है नहीं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉलो भी किया है और ढंग से देखा भी है, तो हमें नहीं लगता है कि आपको ये बात की में कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन। तो अगर आप इसको ऐसे मतलब कि देखें ध्यान से, अगर कुछ इस प्रकार से इसको देखें, ने सिस्टम में कर लेना चाहो, तो ये आउटर मेजर ऑफ ई माइनस इनर मेजर ऑफ ई, ठीक है, लेस आर इक्वल टू मेजर ऑफ जी माइनस मेजर ऑफ एच, इसको सेकंड मान लें, कोई दिक्कत आ रही हो ने सिस्टम में करके मान लें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। ये इसका लेस में है और ये इसके लेस में है, तो जाहिर सी बात है कि ये लेस देन एप्सिलॉन होगा, नहीं हो लेस आर इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, तो मैं इसको यहीं पर डायरेक्टली राइट करने वाला हूं कि लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, कौन, आउटर मेजर ऑफ ई माइनस इनर मेजर ऑफ ई, लेस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा, ये बात तो क्लियर हो गया। चूज कर लो यहाँ पर एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो, अगर हम एप्सिलॉन इक्वल टू जीरो चूज कर लेंगे तो यहां से निकल आएगा आउटर में इनर क्या है, आउटर मेजर ऑफ ई इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ई, ठीक है। और अगर ऐसा हम प्रूव कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि इज ए, सो इंप्लाइज दैट इज ए मिजरेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप के तो हमने दो तीन मतलब कि आपको थ्योरम करा दिए हैं, तो ये तो पूरे ढंग से क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये तभी क्लियर हुआ होगा ज्यादा अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत स्पीड से बताया है, ये ज्यादा अच्छे तभी क्लियर हुआ होगा जब आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट प्रॉब्लम या थ्योरम बोल सकते हो, चाहे प्रॉब्लम बोलो, ठीक है। मेरा फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम स्टेटमेंट है, इफ ई1 ई2 ई3 एंड सो ऑन आर पेयर वेज डिजॉइंट मेजरेबल सेट्स एंड ई इक्वल टू ई1 यूनियन ई2 एंड सो ऑन देन ई इज ए मेजरेबल एंड मेजर ऑफ ई इक्वल टू समेशन फ्रॉम 1 टू इनफिनिट मेजर ऑफ ई के। यहां पे आपको ये बोल रहा है कि ई1 ई2 आपके पास क्या है, मेरे पास पेयर वाइज डिजॉइंट सेट है, मिजरेबल सेट है, तो इसका मतलब पहले जो गिवन है पहले वो राइट कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो यहाँ पर मेरे पास है कि E1, E2 एंड E1 पेयर वाइज किया है डिजॉइंट सेट है, जिसका मतलब मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि EIZ इंटरसेक्शन EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू J। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे तो भी 5 आएगा, मतलब इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। E2 इंटरसेक्शन E3 करेंगे तो भी 5 आएगा, कुछ भी करें E1 का E2 के साथ करें, चाहे E3 के साथ एंड सो ऑन किसी के साथ करें या E2 को किसी के साथ करें, बस शर्त ये है कि आपका मतलब कि दोनों इक्वल ही होने चाहिए, मतलब E1 का E1 के साथ मत करें, उसके अनादर मिजरेबल सेट के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, डिजॉइंट सेट। पेयर वाइज का मतलब ये हुआ, ठीक ना, कि A1 को E2 के साथ करें, चाहे E3 के साथ करें, चाहे E4 के साथ करें, तो आपको कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिलेगा। इसी प्रकार E2 को छोड़कर मतलब स्वयं को मतलब कि छोड़कर किसी और के साथ कराएंगे तो आपको कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, पेयर वाइज डिजॉइंट सेट का मतलब यही होता है, ठीक है। और ये सब क्या है, मेरे पास मिजरेबल सेट है, बात समझ में आ रही है। देन मुझे प्रूव करना है कि इज ए मिजरेबल, ये मुझे प्रूव करना है। इसको ये भी बोलते हैं मेजर इज एडिटिविटी, ठीक है, मेजर इज एडिटिविटी भी इस थ्योरम का दूसरा नाम है, ठीक है। तो चाहे वो बोले चाहे बोले स्टेटमेंट आपके एग्जाम में, तो आपको प्रूफ एक ही करना है, यही जो मैं आपको बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक थ्योरम किया था बाई काउंटेबल सब एडिटिविटी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये सीखा था कि आउटर मेजर ऑफ यूनियन फ्रॉम आई वन टू आई इक्वल टू वन टू इनफिनाइट
ठीक है, ये था किसका था, ई आई मान लो, यहाँ पर किसका मान लो, वहां पे ए आई था, हम यहाँ पे मान रहे हैं ई आई, ठीक है। तो यहाँ पे था लेस आर इक्वल टू समेशन फ्रॉम वन टू इनफिनाइट और मेजर ऑफ ई आई, कैसा मेजर, आउटर मेजर ऑफ ई आई, ये हम लोगों ने सीखा था फिर हम, राइट फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हम लोगों ने इसमें एक बात और सीखी है कि किसी भी मिजरेबल सेट का अगर हम लोग यूनियन करते हैं तो वो क्या आता है, एक मिजरेबल सेट आता है, ठीक है। दैट मीन्स मेरे पास ये आउटर मेजर क्या होगा, ये तो मिजरेबल सेट ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि मेजर ऑफ आर्बिट्री यूनियन फ्रॉम वन टू इनफिनाइट है मेरे पास ई आई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये लेस आर इक्वल टू है समेशन आई इक्वल आई फ्रॉम वन टू एन, सॉरी वन टू इनफिनाइट, ए मेजर ऑफ ई आई, बिकॉज ये तो ऑलरेडी मेजरेबल है, तो आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल होते हैं। आपको पता होता है कि अगर ई इज ए मेजरेबल, सो एम ई इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ई इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ई, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। दैट मीन्स मेरे पास ई आई अगर मेजरेबल है तो हम लोग ये डायरेक्टली लिख सकते हैं, तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इसको नहीं, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, यहाँ तो कोई डाउट है नहीं। अब हमें क्या करना है, हम एक बात एज्यूम कर रहे हैं, नाउ क्या एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास जो यूनियन है आई इक्वल टू, मतलब आई इज इक्वल टू वन टू एन, और यहाँ पर है हमारे पास ई आई, इसको हम थोड़ा एक आर्बिट्री मान रहे हैं, मतलब कि एक फाइनाइट ले रहे हैं, ये आर्बिट्री है मेरे पास, इसको मैं एक फाइनाइट ले रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनाइट कैसे बनाएंगे इसको, तो फाइनाइट बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भाई ये जो होगा ये सुपर सेट होगा, इसी का मैं सबसेट ले रहा हूँ, कहाँ से, आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक है, ई आई, बस समझ आ गई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अगर इसमें मेजर लिया जाएगा इसका, ठीक है, इसका अगर आप मेजर लेंगे तो मेजर, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, आर्बिट्री यूनियन, क्लियर हो गया, और इज ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा फाइनाइट है, फाइनाइट यूनियन, ठीक है, ऑफ ई आई। हम लोगों ने डेफिनेशन सीखा था, डेफिनेशन क्या थी मेरे पास, कि अगर मेरे पास दो कोई मिजरेबल सेट दिए जाते हैं जो कि डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है, अगर हम उसका यूनियन कर दें, ये डिसजॉइंट मिजरेबल सेट होते हैं, अगर हम उसका यूनियन का मिजरेबल निकालते हैं तो मेरे पास निकलता है मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। यहाँ पे मेरे पास ये ए वन ए टू एंड सो ऑन जितने भी हैं सब डिसजॉइंट सेट है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई दो मिजरेबल सेट लेते हैं, ए वन और ए टू लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं ए वन और ए टू मैंने ले लिया, जो कि अगर इंटरसेक्शन किया जाए फाइ है, मतलब डिसजॉइंट तो है, क्लियर हो गया, बात डिसजॉइंट है क्योंकि ये बात गिवन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेजर ऑफ ए वन यूनियन ए टू हम करेंगे तो मेरे पास आएगा मेजर ऑफ ए वन और प्लस मेजर ऑफ ए टू, दैट इज राइट। अब इसके अगर आपको क्लियर करना है तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कि अगर मेजर ऑफ हम निकालना चाहें किसका, आर्बिट्री यूनियन ऑफ ई आई, ठीक है, वो आएगा मेरे पास समेसन फ्रॉम वन टू एन ई आई, ये बात क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ से वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा मेजर ऑफ आर्बिट्री यूनियन फ्रॉम वन टू इनफिनाइट ई आई ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ समेसन फ्रॉम आई इक्वल टू वन टू एन ई आई, ठीक है, लिमिट ले लिया जाए एन टेंस टू इन्फिनिटी, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ से वैल्यू मुझे मिल जाएगा मेजर ऑफ आर्बिट्री यूनियन, ठीक है, ऑफ ई आई ग्रेटर आर इक्वल टू, यहाँ से मुझे वैल्यू मिल जाएगा आई इक्वल टू वन टू इन्फिनाइट ई आई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट था और ये आपका एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दोनों अगर आप इनक्वालिटी को देखेंगे और वैल्यू को देखेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं दोनों को क्या लिख सकता हूँ, मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ कि मेजर ऑफ आर्बिट्री यूनियन फ्रॉम वन टू इन्फिनाइट ई आई इज इक्वल टू क्या है समेसन, ठीक है, समेसन फ्रॉम वन टू इन्फिनाइट ई आई, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसमें कुछ खास ज्यादा था नहीं, जो कि आपको निकालना था आराम से मैंने निकाल दिया, बिकॉज इसको मैंने क्या एलिट कर रखा है, इसको मैंने एलिट कर रखा है ई आई, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ई आई लिख सकते हैं और सॉरी ई लिख सकते हैं, तो ई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, और चाहो तो इतना ही लिख के छोड़ दो, यही आपको
प्रूफ मतलब है, ठीक है, ये जरूरी नहीं कि आप यही फॉर्म लिखें, और दैट इज करके लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको, कंसेप्ट पहले हमने सर्वेटिटी थ्योरम लगाया, उसके बाद इस कंसेप्ट को हम उठाकर आराम से लेकर चले गए और प्रूफ कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। इसको बहुत ही ज्यादा इजी है, मतलब कि एग्जाम में आता है और इजी भी है, तो आप इसको तैयार कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट है मेरा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, इसका स्टेटमेंट मैंने लिया है कि इफ A1 A2 एंड सो ऑन आर मिसेबल सेट्स, ठीक है, देन आर्बिट्री इंटरसेक्शन EK इज मिसेबल, मुझे ये दिखाना है, ठीक है, चल भाई देते हैं, प्रूफ कर लेते हैं इसको। हमें क्या करना है कि पहले तो हम फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम इसमें अप्लाई करने वाले हैं, फंडामेंटल थ्योरम भाई, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम कहते क्या है आपके, कि मेरे पास अभी मैंने तो प्रूफ तो किया है कि मेरे पास अगर ई के कोई मिजरेबल सेट होता है तो उसका आर्बिट्री यूनियन भी क्या होता है, मिजरेबल सेट होता है, ठीक है, ये तो मैंने प्रूफ किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल तो है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मुझे प्रूफ क्या करना है, तो मैं लेट कर रहा हूँ, उस जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग मैं लेट कर रहा हूँ कि जी इक्वल टू मेरे पास क्या है, इंटरसेक्शन K इक्वल टू 1 to infinite EK, ठीक है, ये मिनट के लिए जिसको मुझे दिखाना है कि दिस इज मिजरेबल सेट, है ना। अब कैसे दिखाओगे आप, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसका बोथ साइड में कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ, इसका बोथ साइड मैंने क्या लिया, कॉम्प्लीमेंट ले लिया, तो कॉम्प्लीमेंट लिया है तो इसका भी कॉम्प्लीमेंट होगा भाई, आपकी इंटरसेक्शन ऑफ EK, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ले लिया मैंने, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया तो बाय डी मॉर्गन ला इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आर्बिट्री यूनियन फ्रॉम 1 to infinite, ठीक है, ऑफ EK, कॉम्प्लीमेंट EK, बात समझ आ गई नहीं आ गई। और आपको पता होना चाहिए, अब कि मैं आपको पहले बता दूँ कि ये अगर मिजरेबल होगा, अगर ये कॉम्प्लीमेंट EK अगर मिजरेबल होगा तो इसका आर्बिट्री यूनियन भी क्या होता है, मिजरेबल होगा, ये तो साफ साफ आपको पता है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, अगर ये मिजरेबल है तो इसका मतलब होगा कि इसका आर्बिट्री यूनियन भी क्या होगा, मिजरेबल होगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इज मिजरेबल, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मिजरेबल दिखाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर नाउ हम लोग पहले इसको देख लेते हैं भाई, EK क्या है, ये गिवन है मेरे पास, गिवन है, क्या गिवन है कि EK इज ए मिजरेबल सेट, ठीक है, मिजरेबल सेट, तो इसका मतलब हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट इज आल्सो सो ए मिजरेबल सेट, मिजरेबल सेट, ठीक है। अब यहां से आपको करना क्या है, अगर ये मिजरेबल सेट है तो देन मैं कह सकता हूं ना कि आपका जी सी भी क्या होगा, जी सी इज ए मिजरेबल सेट, अगर जी सी भी मिजरेबल है मेरा तो फिर जी भी मिजरेबल होगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इफ ओनली इफ का केस होता है, ठीक है, तो जी सी इज मिजरेबल, क्योंकि ये मिजरेबल है तो इसका आर्बिट्री यूनियन भी क्या होगा, मिजरेबल होगा, दैट मीन्स कार डी भी क्या होगा मेरा, मिजरेबल होगा, ठीक है, आराम से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई है इसमें, कोई दिक्कत थी भी नहीं। अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो मैं आपको एक थ्योरम करा भी देता हूँ जिसमें आपको गिवन होगा कि अगर कोई सेट मिजरेबल है उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मिजरेबल होगा, इफ ओनली इफ का केस होता है उसमें। मैं चलो आपको थ्योरम मतलब वो प्रॉब्लम है, थ्योरम नहीं हो प्रॉब्लम है, चलो मैं आपको प्रूफ करा देता हूँ ताकि आपके कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉब्लम सभी दूर हो जाए, ठीक है ना। और इस थ्योरम में कुछ खास था नहीं, फिलहाल आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा, जो भी ये प्रॉब्लम है कॉम्प्लीमेंट का, ये कॉम्प्लीमेंट कैसे मिजरेबल होगा, तो उसको हम क्लियर करने के लिए आपको प्रॉब्लम ही समझा रहे हैं ताकि आपको पूरा ढंग से क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स मैंने थ्योरम ले लिया है, थ्योरम क्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है, लेटेस्ट सेट है मेरा क्या है, मिजरेबल सेट है, इफ ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज मिजरेबल, मतलब मुझे ये दिखाना है कि अगर ए इज लेबैग मिजरेबल होगा या फिर है वो तभी होगा जब हमारा इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मिजरेबल होगा, ठीक है, ये मुझे दिखाना है। अब देखो कैसे, पहली बात ये है कि मैंने लेट कर लिया है यहाँ पर कि ए इज अ सबसेट ऑफ क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ठीक है, देन आप ये जानते हैं कि इनर मेजर का फॉर्मूला क्या होता है, बी माइनस ए, और यहाँ पे होता है माइनस आउटर मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट,
राइट, ये तो होता है मेरा फॉर्मूला। अब इसमें आप यहां से सॉरी यहां पे मेजर ऑफ, अगर ए इज मिजरेबल है, ए इज क्या है मिजरेबल है, तो इसलिए आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू होगा इनर मेजर ऑफ ए इक्वल टू होगा मेजर ऑफ ए। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर ही है। तो यहां पर मैं डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा मेजर ऑफ ए इक्वल टू, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो मेजर ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस ए और माइनस यहाँ पे क्या है आउटर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हो गया। अब यहां से मैं आउटर मेजर इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो मेरे पास यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, आउटर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस ए और माइनस मेजर ऑफ ए। ठीक है, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड को, सॉरी फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट अगेन, फर्स्ट रिप्लेस क्या कर लो, ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट बाय ए कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो आप रख लें इसमें, अगेन रखेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि इनर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए इक्वल टू बी माइनस ए माइनस आउटर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये हमारे पास है। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या कर लेते हैं, यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये बात जानते हैं ये कॉम्प्लीमेंट था, सॉरी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, आपका ए होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, यहां पर ए लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, हम यहां पर ए लिख सकते हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ ए लिख सकते हैं। तो यहां से आपको क्या लिख सकते हैं, इंप्लाइज दैट इनर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस ए और माइनस मेजर ऑफ ए। ठीक, इसको मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, तो आप इन दोनों को देखें, दोनों इक्वल हैं या नहीं, दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे। So implies that यहाँ पे आ जाएगा इनर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सो implies that ए कॉम्प्लीमेंट इज मिजरेबल, ए कॉम्प्लीमेंट इज मिजरेबल। तो आपका ये इफ पार्ट प्रूफ हो गया है, अब आपका ओनली इफ पार्ट देखेंगे, उसके बाद ये थ्योरम कंप्लीट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने प्रूव किया है कि इनर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट। अब हमें जो प्रूव करना है, आप लोग जानते हैं मुझे, अगर आप ए को मिजरेबल दिखाना है, जाहिर सी बात है कि आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू इनर मेजर ऑफ ए आपको दिखाना है। ठीक है, अब वो कैसे दिखाना है चलो देखते हैं। तो हम लोगों ने डेफिनेशन जाना है, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनर मेजर, तो हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, वी नो दैट क्या कि इनर मेजर ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है बी माइनस ए और माइनस कॉम्प्लीमेंट ऑफ आउटर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, राइट, ये होता है। यहां पे रिप्लेस कर लो तो एंड मेरे पास एक वैल्यू और आ जाती है, क्या आ जाती है मेरे पास कि इनर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस ए माइनस, यहां से आपका आ जाता है आउटर मेजर ऑफ ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ए हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, इसको मान लो फर्स्ट, इसको मान लो सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, अब यहां से इनकी वैल्यू आप उठा के रख लें, जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये है, ठीक है, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है ना। ठीक है, यहां पे जैसे ये वैल्यू आई तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से इसको अगर रखा जाएगा तो वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी आपके सामने है, ठीक है, तो हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू सॉरी इनर मेजर ऑफ ए इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। कैसे समझ नहीं पाए, तो इसको हम देखो आपको दिखाते हैं, ये मेरे पास वैल्यू, इसको इधर ट्रांसफर कर लें, इसको इधर ट्रांसफर कर लें, मेरे पास क्या हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए इक्वल टू बी माइनस ए माइनस इनर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, ठीक है,
तो इसको आप इक्वल बोल सकते हैं, बिकॉज ये इक्वल है क्योंकि हमने इक्वेशन में ये दिखाया है। तो जब हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दैट मींस इसका हम यूज करने वाले हैं। इसका यूज करने का मतलब होता है कि जहां हमारे पास इनर मेजर ए कॉम्प्लीमेंट है, वहां पे हम क्या लिखने वाले हैं, मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो वही मैंने रिप्लेस कर दिया। और जहां पे मेरा क्या है, आउटर मेजर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है, वहां पे मैं क्या लिखूंगा, मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों ध्यान से देखो, दोनों इक्वल हो गए नहीं हो गए, तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि इनर मेजर ए इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए। और ये अगर मैं बोल दिया मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज मेजरेबल, क्योंकि मेजरेबल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो पूरा मैंने आपको क्लियर करा दिया मिजरेबल। फिर भी अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन छूट गया है या फिर कोई थ्योरम छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाए और वहाँ पे आके बता दें, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिलहाल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हो, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।